हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हाँ दोस्तों यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती 2023 दोस्तों यूपी एनएचएम से सीएचओ ऑफिसर की 2023 में बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती आ रही है जी हाँ दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त भर्ती आ रही है और यह भर्ती दोस्तों मार्च में आ रही है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है सुबह सुबह की दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों इसमें मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा और बताऊंगा दस हजार वैकेंसी आ रही है जिसमें 6000 हजार प्लस वैकेंसी ऑफिसर की होगी और पैंतीस दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है साथ ही हम आपको इस वीडियो में यूपीएनएचओ की भर्ती निकाली गई थी पांच हजार पांच सौ पांच पदों पर ओल्ड नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी उस हम आपको सारी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले लेकिन सबसे पहले हम आपको न्यूज़ की जानकारी देंगे तो जी हाँ सी सी एच एन सी एच ओ ऑफिसर की हजार प्लस वैकेंसी 2023 में आ रही है और ये दोस्तों भर्ती जो है मार्च में आ रही है इसमें अनुभव नहीं चाहिए बिना एक्सपीरियंस के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों 2023 सीएचओ भर्ती की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं क्योंकि आज है 1 फरवरी आज की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है सीएमओ ऑफिस से जिसमें आपकी भर्ती मार्च में आने वाली है और यह पहली भर्ती दोस्तों ऑफिसर की आने वाली है तो इस भर्ती के बारे में सबसे पहले हम न्यूज की जानकारी देंगे और न्यूज की दोस्तों हम आपको प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों यह भर्ती जो आ रही है दो हजार तेईस की सबसे बड़ी भर्ती और पहली भर्ती यूपीएनएचएम से आ रही है तो इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होगी जॉब लोकेशन क्या है सैलरी कितनी मिलेगी और इसमें सिलेबस क्या होगा सिलेबस के साथ साथ मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स क्या होगी इन सभी की जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है स्पेशल वीडियो है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए और और अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सबसे पहले चलिए मैं आपको न्यूज़ यहां पर दिखा देता हूं इस न्यूज की मैंने आपको पहले ही वीडियो बना रखी है बाकी इस न्यूज की मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं देखिए दोस्तों इस न्यूज़ की कटिंग मैंने यहाँ पे ले रखी है इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूपी पी एन एच एम दो हज़ार तेईस में दस हज़ार प्लस वैकेंसी आ रही है जिसमें सी सी एच एन की वैकेंसी होगी और लगभग थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट दोस्तों सी एच ओ ऑफिसर जो मेरिट के बेस पर आती है जिसमें जी एन एम को मौका नहीं दिया जाता नहीं दिया जाता है उसकी भी वैकेंसी आ रही है तो ये आप लोग सबसे पहले देखिए अमर उजाला जी हाँ अमर उजाला अखबार में ये न्यूज़ जो है पब्लिश किया गया था और ये न्यूज है और यहाँ पे ऊपर आप लोग देखिए वाराणसी रविवार 11 11 दिसंबर दिसंबर 2022 2022 तो रविवार की डेट में अमर उजाला न्यूज पेपर में वाराणसी के संस्करण में दोस्तों इस न्यूज को यहाँ पे कवर किया गया है यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे तो मेडिकल कॉलेजों से जुड़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ही दोस्तों सीएचओ की भर्ती होती है तो यहां पे क्या है कि बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दो दिवसीय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इसमें बोला था यहां पे आप लोग देखोगे तो अमर उजाला ब्यूरो वाराणसी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अंतिम व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा हमने अब तक एक दशमलव पैंतीस लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना लिए हैं दिसंबर के अंत तक ये संख्या डेढ़ लाख हो जाएगी आने वाले समय में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से मेडिकल कॉलेज को भी जोड़ने की योजना है हमारा लक्ष्य दो तक देश को टीबी मुक्त भारत बनाना है तो दोस्तों जब मेडिकल कॉलेज से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जुड़ेंगे तो आपकी वैकेंसी लगभग दोस्तों पैंतीस दो हजार वेकेंसी दो तक हो जाएगी ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सी ऑफिसर की जो तैयारी कर रहे हैं यूपी एन एच एम सी एच ओ ऑफिसर के लिए उनके लिए बड़ी अपडेट है बाकी इस न्यूज़ को आप लोग अच्छे से देख लो इस न्यूज़ की हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं पहले ही मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें दस हज़ार प्लस व्यूज यहाँ पे आ चुके हैं दस हज़ार व्यूवर्स यहाँ पे देख चुके हैं ये आप लोग अच्छे से देख लो इसमें बोला गया है कि दो हजार तेईस में दस हज़ार प्लस वैकेंसी आ रही है ये आप लोग देख सकते हैं रुद्राच कन्वेंशन सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इन्होंने इसमें दोस्तों बोला था आपने देखा होगा क्लियर है तो अभी देखिए दस हज़ार प्लस वैकेंसी 2023 में आ रही है यह 11 दिसंबर 2022 दो की दोस्तों रिपोर्ट है क्लियर है जी हाँ चलिए अब आपको लेके चलते हैं सबसे पहले ओल्ड नोटिफिकेशन पर और हम बात करेंगे कि सी एच ओ सी सी एच एन की कितनी वेकेंसी आएगी और सी एच ओ ऑफिसर जो मेरिट के बेस पर भर्ती आती है उसकी कितनी वैकेंसी आएगी इसके बाद दोस्तों मैं आपको ओल्ड नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और ओल्ड नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि सी सी एच एन सी एच ओ ऑफ़िसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी सिलेबस क्या होगी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन यू पी एन एच एम का दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुका है और ये दोस्तों कैरियर वाला पेज यहाँ पे ओपन किया गया है जी हाँ नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यू पी यू पी एन एच एम का दोस्तों कैरियर वाला पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट करियर का पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है इसमें जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन शो करेगा चार हजार यहाँ पे वैकेंसी है ये आप लोग देखेगा ये इम्पोर्टेंट है चार हज़ार सी एच ओ पोजीशन ये दोस्तों क्या है कि मेरिट पर जो भर्ती निकाली गई है उसकी वैकेंसी है वैकेंसी बढ़ भी गई है तो यहाँ पे अब की बार दो हज़ार तेईस में दोस्तों जो भर्ती आएगी जो मेरिट के बेस पर भर्ती आएगी इसमें जी एन एम को नहीं भर पाएंगी क्लियर है जी हाँ इसमें लगभग पैंतीस सौ से लेकर पैंतीस सौ से लेकर पाँच हज़ार यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है ये अभी की फरवरी की जो अपडेट निकल के आ रही है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आगे वैकेंसी बढ़ सकती है लेकिन पैंतीस सौ से लेकर पाँच हज़ार वैकेंसी सी एच ओ ऑफिसर की आ रही है जो मेरिट पर आपकी भर्ती आएगी और यह दोस्तों जुलाई दो हजार तेईस के आसपास भर्ती आएगी नोट करके रख लो अच्छे से आप लोग तैयारी भी करिए क्लियर है इसके बाद जैसे आप लोग नीचे आओगे तो एक और भर्ती है यहाँ पर देखिएगा तो नोटिफिकेशन नंबर है टू वन, वन और ये सीएचओ ऑफिसर की 5,655 पदों पर, पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती अभी की जो सीएमओ से अपडेट निकल के आ रही है मार्च 2023 दो में दोस्तों वैकेंसी आ रही है। जी हाँ और ये दोस्तों कम से कम 6,000 वैकेंसी आएगी और मैक्सिमम दोस्तों 8,000 यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। तो 6,000 से लेकर � आने वाली है तो छः हज़ार आ सकती है छः हज़ार से आठ हज़ार के बीच में अभी की जो अपडेट है इतनी वैकेंसी दोस्तों आ रही है आगे अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो मैं अपडेट आपको कर दूंगा आगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है इस पर दोस्तों क्लिक करके आप लोग फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ए ओल नोटिफिकेशन है जो कि बीस जुलाई से आपका ऑनलाइन शुरू हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट थी नौ अगस्त दो रखी गई थी इस ओल नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको दो की जो भर्ती आ रही है इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने ओल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है ये आप लोग यहाँ पे देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जी हाँ सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज तो सी सी एच एन के लिए दोस्तों भर्ती आ रही है और ये भर्ती जो है दो से दो के लिए आएगी और इसमें जी एन फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जो सी सी की भर्ती आएगी इसमें बिल्कुल जी एन फॉर्म को अप्लाई करेंगे नो टेंशन

करने के बाद जो है एन का सर्टिफिकेट देने के बाद जो है आपको सी एच ओ ऑफिसर पर जो है पोस्टिंग दी जाएगी तो जी हाँ अब यहां पर नीचे आओगे तो ये देखोगे तो इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन 2023 में होने वाली है इसमें जो है आपको कोविड 19 का एक्सपीरियंस का बोनस मार्क्स भी दिया जाएगा जिसमें अगर छः महीने का आपके पास कोविड 19 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको फ़ाइव परसेंट मार्क्स दिए जाएंगे यानी पाँच नंबर दिए जाएंगे एक साल का अगर कोविड नाइन्टीन एक्सपीरियंस है तो आपको दस नंबर दिए जाएंगे और अगर एक साल छः महीने का कोविड नाइन्टीन एक्सपीरियंस है तो आपको पंद्रह नंबर दिए जाएंगे एक्सपीरियंस आपका क्यू कोड वाला होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा और यहाँ पर आपका क्यू कोड होगा वही एक्सपीरियंस दोस्तों मान्य होगा इसके बाद जब आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी यहाँ पे देख लेना ये नीचे दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसे भी देख लेना ऊपर भी दिया गया है बाकी बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो जी एन नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेशर यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 2023 में अगर आप लोग पास आउट हो चुके हो या पास आउट कर लोगे इस भर्ती के आने से पहले जीएनएम बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप लोग जो है हाँ कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और फ्रेशर हो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग सीसीएचएन सीएचओ ऑफिसर की जो 2023 में भर्ती आ रही है उसके लिए आप लोग फॉर्म को अप्लाई दोस्तों कर सकती हो बाकी जो मेरिट के बेस पर भर्ती आती है उसमें जीएनएम को मौका नहीं दिया जाता है बाकी जो दो, दो हज़ार तेईस में जो भर्ती आएगी सी सी एच एन सी एच ओ ऑफिसर की इसमें आपने किसी भी किसी भी दोस्तों ईयर में अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है जी एन एम बी एस सी नर्सिंग पोस्ट बी बी एस सी नर्सिंग किसी भी सेशन में कंप्लीट किया है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो इसमें सैलरी दोस्तों आपको मिलने वाली ट्रेनिंग के समय चार महीने की फोर मंथ की आपको ट्रेनिंग चलेगी और फोर मंथ के समय आपको हर महीने दोस्तों दस हज़ार रुपये की जो है ट्रेनिंग क्या दिया जाएगा ट्रेनिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा क्लियर इसके बाद दोस्तों जब आप लोगों की चार महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों का एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा उस फाइनल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सी ऑफ़िसर पर पोस्टिंग दी जाएगी और जब सी ऑफ़िसर पर पोस्टिंग दी जाएगी तो उस समय आपको बीस हज़ार पाँच सौ रुपये बीस हज़ार पाँच सौ रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी प्लस पंद्रह हज़ार रुपये का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बोनस पी बोनस भी दिया जाएगा तो टोटल आपकी जो सैली हो जाएगी पैंतीस हजार पाँच सौ रुपये दोस्तों आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी इसके अलावा ढाई लाख रुपये का आपका बॉन्ड भी लगने वाला है सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पे अगर आप लोग जो हैं तीन साल से पहले जॉब छोड़ के जाओगे तो ढाई लाख रुपये का आपको दोस्तों बॉन्ड यहाँ पे जमा करवा लिया जाएगा जैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी उस समय दोस्तों जैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी उस समय आपसे बॉन्ड जो है भरवा लिया जाएगा सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको ढाई लाख रुपये का बॉन्ड जमा करके डीवी करा लेना है इसके बाद आपकी दोस्तों ट्रेनिंग होगी फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसका एग्जाम होगा और जो सी एच ओ सी सी एच एन की भर्ती आएगी इसमें आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बेसिस पर ही दोस्तों सिलेक्शन यहां पे होने वाला है ये सी सी एच एन सी एच ओ ऑफिस की भर्ती मार्च में आएगी तो इसमें आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें दो घंटे का समय होगा यानी कि दो घंटा या एक सॉरी एक मिनट में है ना 120 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन दोस्तों आपका एक नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें दो सेशन है सेशन वन में अस्सी क्वेश्चन होंगे अस्सी नंबर का होगा और सेशन सेकंड में दोस्तों बीस क्वेश्चन बीस नंबर का होगा निगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पूछे जाएंगे यानी बहुत लैंग्वेज में आपके बाई लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाकी जो आपका एग्जाम होगा इसमें मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है जनरल यू आर कैटेगरी ई के लिए सौ में तैंतीस नंबर लाना होगा और ओ बी के लिए सौ में तीस नंबर लाना है और सौ में 24 नंबर लाना है एससी एचटी और पीडब्ल्यूडी के लिए इसके अलावा कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे आप लोग चेक कर लेना जब आप लोगों की भर्ती आएगी तो नीचे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई होगी उसे भी आप लोग देख लेना बाकी यहाँ पे आओगे तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते वक्त उसकी भी जानकारी यहां पे दी गई है और ये आप लोग यहाँ पे चेक कर लो अप्लीकेशन आप बिल्कुल आपकी फ्री होगी कोई भी यहाँ पे फीस आपसे चार्ज दोस्तों नहीं किया जाएगा बाकी ये देखोगे तो ये आपके दोस्तों पेपर वन का सिलेबस है नर्सिंग का यहाँ पे सिलेबस है इस सिलेबस को देख के आप लोग दो के लिए अच्छे से तैयारी करिए क्लियर है इसके बाद पेपर टू है देखोगे तो जो यहाँ पे पेपर वन है इसमें आठ आठ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्लियर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट से आठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसलिए अस्सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर वन से और पेपर टू में पाँच पाँच क्वेश्चन सभी से, सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे तो इससे दोस्तों आपके बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे फोर यहाँ पे टॉपिक है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो जनरल एप्टीट्यूड मैथ से पाँच क्वेश्चन रीजनिंग से पाँच क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पाँच क्वेश्चन एंड कंप्यूटर से पाँच क्वेश्चन तो यहाँ पर बीस क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से आपको बता दिया है कि जो आपकी वैकेंसियां होगी छह हजार से आठ हजार के बीच में वैकेंसी होगी ये काफी अच्छी वैकेंसियां दो हजार तेईस में आ रही है अगर आपने जीएनएम का रखा बीएससी नर्सिंग का रखा है पोस्ट बेसी नर्सिंग का रखा है और आपके पास कोविड नाइन्टीन का एक्सपीरियंस है तो आपको दोस्तों क्या होगा कि अगर आपके पास कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोविड नाइन्टीन का तो भी आप लोग जो है हाँ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे थैंक यू दोस्तों मैंने आपको 2023 में जो भर्ती आ रही है सी सी एच एस सी एच ओ ऑफिसर की इस भर्ती के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी दे दी है कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाती है माफ़ी चाहता हूँ थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद